प्रयागराज की मेयर सीट पर फिर से बीजेपी का कब्जा हो गया। गणेश किसरवानी ने सपा के अजय श्रीवास्तव को भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की। मुस्लिम वोटों के बिखराव से भी गणेश किसरवानी को भरपूर फायदा मिला। कांग्रेस इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुंडेरा मंडी से जुलूस भी निकाला और मिठाइयां बांटी। मेयर बने गणेश किसरवानी का कहना है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही पहली प्राथमिकता रहेगी। निश्चित रूप से जीत प्रयागराज की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। और इस जीत में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय केशव जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री जी का, इन सब का आशीर्वाद है और उसी का यह परिणाम है कि प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को प्रयागराज में मिल रही है। न केवल महापौर बल्कि बड़ी संख्या में अधिकांश पार्षदों ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जो इस बात का द्योतक है कि यह चुनाव प्रयागराज का एक जन आंदोलन बन गया था। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर के समाज के बीच में भेजा, समाज ने उसको पूरी तरीके से आशीर्वाद दिया, समाज के सभी वर्गों ने सभी प्राथमिकताएँ आपकी क्या होंगी? हमारी प्राथमिकता ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्मार्ट सिटी योजना है, हमारा जो आगामी महाकुंभ का मेला है, ये दोनों बेहतर तरीके से आगे बढ़े, गतिशील हो, उसकी पूरी तरीके से अध्ययन करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। नगर निगम के इस चुनाव में कई दिग्गज पार्षदों को भी कम उम्र के युवाओं के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। वार्ड नंबर 91 अकबरपुर से कई बार पार्षद रहे अतहर रजा राडले को पहली बार बसपा से चुनाव लड़े कसान सिद्दीकी ने हराकर जीत हासिल की। कसान ने काफी मार्जिन से जीत हासिल की। इसी तरह पुराने सपाही रहे सलामत उल्ला ने कई बार के पार्षद रहे नफीज अनवर को हराकर जीत हासिल की। खास बात यह है कि सलामत ने कुछ दिन पहले ही AIMIM ज्वाइन किया और वार्ड नंबर 99 से जीत हासिल की। सपा से मुसलमानों की नाराजगी का भी सलामत को फायदा मिला। वार्ड नंबर 44 चकिया तीक के मोहल्ले से आजम ने फिर से जीत हासिल की। परवेज अख्तर अंसार की पत्नी मुमताज करेली शम्स नगर से फजल खान फिर से जीत कर पार्षद बने। वहीं वार्ड नंबर 60 से तस्लीमुद्दीन सातवीं बार तो आनंद गिड़ियाल आनू ने भी छठी बार जीत का परचम लहराया। वार्ड नंबर 2 धूमनगंज से निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी की छोटी बहन रीता पासी ने जीत हासिल की। इस सीट से बच्चा पासी और उनकी पत्नी जीतती आ रही थी। इस बार बच्चा पासी ने अपनी बहन को चुनाव में उतारा था। जीतने के बाद रीता पासी ने एक बड़ा जुलूस निकाला जिसमें दर्जनों गाड़ियों का काफिला शामिल था। रास्ते भर बच्चा पासी और उनकी बहन का लोगों ने स्वागत किया। जाम है।